आज की सॉलिड बात अकेले मत देखिए। घर में कोई नया फोन आता है तो सब मिलके चेक करते हैं ना, कितना स्टोरेज है, कितने मेगापिक्सल का कैमरा है। ये तो पूरे देश की शॉपिंग है, तो पूरी फैमिली मिलकर चेक करते हैं। और जो बच्चे पबजी वबजी खेल रहे हैं उन्हें भी बुला लीजिए, कहिए वो पबजी में क्या है, असली बैटल रॉयल तो यहाँ है। देश के लिए जान की बाजी लगा देने वालों के लिए खरीदी गई इन नई वॉर मशीन में क्या खास है? ये राफेल जेट कैसे हिंदुस्तान को देंगे एक नई ताकत? और चीन और पाकिस्तान के साथ शक्ति संतुलन में क्या होगा इनका असर? ये जो लाइन लगाकर लड़ाकू विमान भारत की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, इनमें से 5 नए नवेले राफेल जेट हैं। भारत इन विमान की शॉपिंग पर 59,000 करोड़ रुपए का खर्च कर रहा है। कुल 36 ऐसे विमान आएंगे फ्रांस की कंपनी दस्सू से। यह है इस बेहद खास लड़ाकू विमान राफेल का बेहद स्पेशल कॉकपिट। हेलमेट, ग्लव्स, सीट बेल्ट, स्पेशल सूट और मास्क पहनकर फाइटर पायलट तैयार है। मास्क में ऑक्सीजन पाइप भी जुड़ा है। काफी ऊंचाई पर भी जाना पड़ता है ना, इन सब की मदद से ये हवा में आसानी से कलाबाजियां खा सकता है या दुश्मन से बचने के लिए एकदम सीधे नीचे की ओर गोता लगा सकता है। आज हम इसके ऐसे ऐसे फंक्शन देखेंगे जो हमें बिल्कुल हैरान कर देंगे। और अगर ये वीडियो सॉलिड लगे तो अपनों से जरूर शेयर कीजिएगा। वर्चुअल गेम्स में होता है ना थ्रॉटल एंड स्टिक कंट्रोल, वैसा ही इसमें भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां वास्तव में एक जान दांव पर लगी होती है। और ये जो हेलमेट देख रहे हैं आप, ये साधारण हेलमेट नहीं है, इसमें एक स्पेशल स्क्रीन लगी है। इसे हेलमेट माउंटेड साइट एंड डिस्प्ले कहते हैं। जब युद्ध के दौरान सबसे मुश्किल समय होता है तो इसकी मदद से फाइटर पायलट बिना सामने से नजर हटाए सीधे अपने टारगेट को भेज सकता है। साथ ही कॉकपिट में वाइड एंगल होलोग्राफिक डिस्प्ले भी है। इससे आप उन जगहों को भी देख पाते हैं जहां आप सीधी नजर से नहीं देख सकते। इसी तरह यहां और स्क्रीन्स हैं जिनमें आपको एयरक्राफ्ट का कंट्रोल डेटा, जिससे आप एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करते हैं, मिशन का डेटा जिससे अपना मिशन अंजाम देते हैं, और साथ ही फायरिंग के संबंध में मिलने वाले डायरेक्शंस भी मिलते हैं। इन्हें उड़ाने वाले पायलट्स के लिए स्पेशल सूट होते हैं। उड़ान के दौरान एक्सट्रीम वेदर्स का सामना करना पड़ता है तब ये सूट इनकी मदद करते हैं। ये फायर रेजिस्टेंट भी होते हैं। इनमें घुटने के पास स्पेशल पॉकेट होती है जिनमें कागजात इस तरह से रखे होते हैं कि फ्लाइट के दौरान उन्हें आसानी से देखा जा सके। जब कोई सिस्टम खासतौर पर काम नहीं कर रहा हो तब ये कागजात बहुत मददगार होते हैं। इसी तरह सीट के बगल में एक इजेक्ट बटन होता है, और खुदा ना खास्ता कभी ऐसा लगे कि अब विमान बचने वाला नहीं है तो उस बटन को दबाकर ये अपनी सीट को विमान से अलग कर सकते हैं। मारक क्षमता तो इनकी पूछिए ही मत। इनमें बेहद आधुनिक हथियार लगाए गए हैं। दुश्मन के टारगेट को दूर से ही नष्ट कर देने के लिए आधुनिकतम तकनीक है। साथ ही ये एक साथ बड़ी मात्रा में हथियार ले जा सके इसके लिए इनकी भार उठाने की क्षमता भी बहुत अधिक है। ये 2 इंजन वाला फाइटर जेट है जो कई तरह के मिशन पूरा कर सकता है। ये जमीन से भी अपने मिशन पर जा सकता है और साथ ही समुद्री इलाके में मौजूद किसी वॉरशिप से भी। इस तरह कई तरह के रोल पूरे करता है। एयर डिफेंस यानी दुश्मन से हमले को बचाने में, या फिर एयर सुपीरियरिटी यानी कि उससे बढ़त हासिल करने के लिए, या फिर रिकॉनिसेंस यानी दुश्मन के किसी इलाके पर उनकी तैयारियों पर नजर रखने के लिए, हवाई अध्ययन करने के लिए। साथ ही ये न्यूक्लियर अटैक यानी परमाणु हमले को रोकने में भी काफी मददगार है। इन रफाल विमान की और भी बहुत सारी खासियत हैं। ये खाली में 10 टन का होता है और 10 टन के बराबर हथियार अपने साथ लेकर उड़ सकता है, जो काफी ज्यादा होता है। साथ ही 5 टन का ईंधन यानी फ्यूल भी अपने साथ कैरी कर सकता है। उड़ान के दौरान ही इसे रीफ्यूल किया जा सकता है यानी ईंधन दोबारा भरा जा सकता है। फ्रांस से जब ये भारत आ रहा था रास्ते में 2 बार इसे रीफ्यूल किया गया।
पहली बार फ्रांस की एयरफोर्स ने इसमें रिफ्यूल किया, दूसरी बार जब यह भारत की सीमा के नजदीक था तो भारतीय एयरबस ने इससे उड़ान के दौरान ही दोबारा इसकी टंकी में ईंधन डाला। इसे भारत में जो 17th स्क्वाड्रन है, जिसे गोल्डन एरो के नाम से जाना जाता है भारतीय एयरफोर्स की, उसमें शामिल किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के प्रमुख रहे हैं पाली एच मेजर। वो कहते हैं कि भारत ने 1980 के दशक में फ्रांस से ही मंगवाए थे मिराज 2000 विमान। उसके बाद अगर कोई अच्छे लड़ाकू विमान है तो वो यही है। इनमें मिटियोर मिसाइलें लगी हैं। ये मौजूदा मीडियम रेंज एयर टू एयर जो मिसाइल हैं, उनसे 3 गुना ज्यादा मार कर सकती हैं। इनमें प्रिसीजन गाइडेड बम लगे हैं। साथ ही ये अपने जो टारगेट होते हैं उसके 10 मीटर की एक्यूरेसी में निशाना लगा सकती हैं। इनमें 2 गन पॉड हैं, जिनसे 2500 राउंड 1 मिनट में ये फायर कर सकते हैं। साथ ही जमीन पर हवा से मार करने के लिए लेजर गाइडेंस की सुविधा भी है। साथ ही कुछ सुविधाएं भारत के लिए खास तौर से डेवलप की गई हैं। इन्हें ऐसी जगह पे भी स्टार्ट किया जा सकेगा जहां बहुत ज्यादा ठंड हो। भारत में लद्दाख जैसे इलाके भी हैं जहां पे हाई एल्टीट्यूड की वजह से कई बार बहुत सर्दी होती है। अभी 5 जो विमान आ रहे हैं, इनमें से 3 सिंगल सीटर हैं और 2 डबल सीटर हैं। इन डबल सीटर विमान का आमतौर पे ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनमें भी वो सारी सुविधाएं होती हैं जो दूसरे विमानों में होती हैं। 1997 में रूस से आए थे सुखोई 30 जेट। 23 साल बाद एयरफोर्स के लिए कोई लड़ाकू विमान आयात किए गए हैं। इससे एयरफोर्स की पावर भी बढ़ेगी और साथ ही उनका मनोबल भी बढ़ेगा। चीन के साथ जो अभी तनातनी चल रही है उसमें खास तौर पे लेह लद्दाख के इलाके में ये काफी कारगर हो सकते हैं। इसी तरह पिछले साल पाकिस्तान के साथ बालाकोट स्ट्राइक के दौरान भी अगर ये विमान होते तो हम और बेहतर स्थिति में होते। हालांकि ऐसे विमानों को अपनी सिचुएशंस में ऑपरेशनलाइज करने में थोड़ा वक्त लगता है। जैसे इन्हें पहले भारत में पर्याप्त तरीके से उड़ाना होगा, फिर अपनी परिस्थितियों के मुताबिक अपनी टेक्टिक्स तैयार करनी होगी, तभी इनका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकेंगे। इन लड़ाकू विमानों का भारत में राजनीतिक लड़ाई में भी जमकर इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले मनमोहन सिंह सरकार ने 126 ऐसे फाइटर जेट ऑर्डर किए थे। इनमें से 108 भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में ही बनने थे, लेकिन बाद में मोदी सरकार ने ये ऑर्डर कैंसिल कर दिए और सिर्फ 36 ऐसे विमानों का ऑर्डर जारी किया। सरकार का दावा है कि इससे बड़ी मात्रा में धन की बचत भी हुई है, लेकिन राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा चुनाव में इसी बात को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर हमला किया था। हिंदुस्तान युद्ध का हिमायती कभी नहीं रहा है, लेकिन हम युद्ध को तभी रोक सकते हैं जब हमारे पास पर्याप्त शक्ति हो। और जहां तक युद्ध जीतने की बात है, इसमें हथियार या विमान जितने महत्वपूर्ण हैं, उतना ही महत्वपूर्ण हमारा युद्ध कौशल और लड़ने वाले का मनोबल भी है। जहां तक बात है विमानों की संख्या की, भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ दोतरफा युद्ध के लिए चाहिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन। एक स्क्वाड्रन में होते हैं 18 विमान। इस समय भारत के पास हैं सिर्फ 31 स्क्वाड्रन। उनमें से भी कई ऐसे विमान हैं जो बेहद पुराने हो चुके हैं, यानी काम अभी बहुत सारा बाकी। और आपके मन में इस दौरान जो भी विचार आ रहे हों वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।